अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आमिर स्पीक्स। आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से डी डैगर के माउस की। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर गेमिंग की, गेमिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, तो यहाँ पर आपको जो माउस वगैरह देखने को मिलते हैं उनकी जो प्राइसिंग है वो अराउंड अबाउट 7-8 हज़ार से ऊपर ही आपको देखने को मिलती है, जो कि आपको प्रीमियम क्वालिटी की गेमिंग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर बजट के अंदर टी डैगर आपको प्रोवाइड कर रहा है लैंस कॉर्पल, और यहाँ पर आई थिंक ये यूएस नेवी है, यूएस आर्मी के अंदर। तो यहाँ पर इसका जो रैंक है वो काफी हाई दिखाया गया है टी डैगर की तरफ से। एज ए ब्रांडिंग पर्सपेक्टिव हम देखें, और अगर दूसरी तरफ बात करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन के क्या हमें रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, तो उसको मैं जल्दी से टेस्ट आउट करके आपको बता देता हूँ। अगर बात की जाए यहाँ पर प्राइसिंग की, तो राउंड अबाउट रिटेल प्राइस आपको 2000 के आसपास कहीं देखने को मिल जाएगी, और nmart.pk के ऊपर मैं आपको लिंक भी इसका प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप इसको ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। और इस वीडियो के जो स्पॉन्सर है वो कंप्यूटर वैली है और टेक्नो सिटी के अंदर इनका ऑफिस है, आई थिंक फर्स्ट फ्लोर के ऊपर इनका ऑफिस मौजूद। अगर आप उनको विजिट करना चाहते हो आप जाके विजिट भी कर सकते हैं, और जल्दी से चलते हैं अपनी अनबॉक्सिंग की तरफ, देखते हैं हमें क्या एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो यार आ चुका हूँ मैं अपने टी डैगर के माउस के ऊपर। तो यहाँ पर फ्रंट साइड के ऊपर इस बॉक्स के आप देख सकते हैं टी डैगर की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है, और बाकी यहाँ पर आपको माउस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, लैंस कॉर्पल इसका नाम है। उसके अलावा RGB गेमिंग माउस आपको ये देखने को मिलता है। बैक साइड के ऊपर आऊँ तो यहाँ पर भी आपको माउस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और उसके अलावा इसके जो मॉडल नंबर है TGM107 RGB गेमिंग माउस है। उसके अलावा डिफरेंट किस्म के फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, 6 बटन्स आपको देखने को मिलते हैं, 500 हर्ट्ज की यहाँ पर पॉलिंग रेट आपको देखने को मिल जाता है, 10 ग्राम ACC और RGB लाइटनिंग इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बैक साइड के ऊपर भी यहाँ पर आप देखें तो टी डैगर की आपके पास ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, टी डैगर की ऑफिशियल वेबसाइट की आपको ब्रांडिंग वगैरह देखने को मिल जाती है, और बाकी इस माउस के जो मॉडल नंबर है वो आपको देखने को मिल जाता है। अब इसको ओपन करते हैं, इसके बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं, और बाकी इसको यूज़ करके देखते हैं कि क्या एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलता है। तो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको बॉक्स के अंदर यूज़र मैनुअल देखने को मिलता है टी डैगर की तरफ से, और यहाँ पर आपको डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाती है कौन सा बटन कहाँ पे, और यहाँ पर जो OS सपोर्ट है वो आपको विंडोज़ XP से लेकर विंडोज़ 10 तक देखने को मिल जाती है, और बाकी की जो डिटेल्स है वो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। और स्मार्टफोन्स के अंदर मैं इसको लव लेटर बोलता हूँ, तो यहाँ पर जो गेमिंग प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर भी आपको लव लेटर्स देखने को मिलते हैं। तो अब इस माउस की बात करें तो यहाँ पर इसमें जो वायर है उसको बाहर निकाल लेता हूँ, और माउस को भी आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ माउस की हैंड कैरी जो फीलिंग है वो क्या है। तो यहाँ पर आप जब इसको यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, थोड़ा सा हैवी वेटेड है जो कि आपको गेमिंग के अंदर काफ़ी अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड कर देगा, और एक नॉर्मल यूसेज के लिए जैसे मैं एडिटिंग वगैरह कर रहा था तो मेरे लिए भी ये काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का माउस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है और पूरा हैंड कैरी के अंदर ईजी कर रहा है। उसके बाद अगर बात करें बटन्स की, तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड के ऊपर देखें तो आपको 2 बटन्स देखने को मिल जाते हैं, टॉप साइड के ऊपर आपको 2 बटन देखने को मिलते ही हैं, और यहाँ पर भी आपको 2 बटन्स देखने को मिल जाते हैं। तो टोटली 6 बटन्स का ये कॉम्बिनेशन बनता है ये माइस जो आपको देखने को मिलता है टी डैगर की तरफ से। तो अब जल्दी से आपको ज़्यादा नहीं करवाते इंतजार, इसको मैं अपने लैपटॉप के साथ जाके कनेक्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ जो RGB इफेक्ट्स हैं वो किस तरह के प्रोड्यूस होते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर जो आपको स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ें देखने को मिलती है वो किस तरह की आपको परफॉर्म करता हुआ दिखाई देता है। तो जल्दी से चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो RGB इफेक्ट्स हैं वो काफ़ी कमाल के आपको देखने को मिलते हैं, और आप देख सकते हैं टी डैगर की यहाँ ब्रांडिंग है वो भी ट्रांसपेरेंट ब्रांडिंग हुई हुई है, तो यहाँ पर आपको जो इफेक्ट्स हैं वो और भी कमाल के देखने को मिल जाते हैं। लो लाइट्स के अंदर वैसे हम जब कैमरा वगैरह टेस्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम यही बोलते हैं यार इसको हाईलाइट्स के अंदर यूज़ करें, लेकिन ये जो सीन है ये लो लाइट्स के अंदर आपको काफ़ी कमाल का देखने को मिलेगा। फिर बॉटम साइड के ऊपर आपको सेंसर लाइट देखने को मिल जाती है। उसके अलावा अगर बात करो तो RGB इफेक्ट्स हैं वो काफ़ी कमाल के आपको देखने को मिलते हैं। तो जल्दी से इसको मैं यूज़ करता हूँ और अपने सिस्टम के ऊपर आप मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आपको दिखा देता हूँ क्या एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो यार जो क्लिक करने का एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा है, और उसके अलावा यहाँ पर आपको कोई स्मूथनेस के अंदर कोई एरर वगैरह देखने को नहीं मिलता। तो यार स्मूथनेस जो है वो काफ़ी कमाल की आपको देखने को मिलती है इस डिवाइस के अंदर, और बाकी यहाँ पर जो गेमिंग लवर्स हैं उनके लिए तो यहाँ पर थोड़ी चांदनी वगैरह हो जाती है, क्योंकि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर 2 एक्स्ट्रा बटन्स आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देखें तो आप लाइटनिंग इफेक्ट्स जो है उनको भी चेंज कर सकते हैं। बॉटम साइड के ऊपर यहाँ पर आपके एक बटन देखने को मिलता है, ये देख सकते हैं आप, इस बटन को आप क्लिक करें तो यहाँ पर जो इफेक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज होते चले जाएंगे, और ये देखें यहाँ पर अब ऑरेंज और येलो लाइट का कॉम्बिनेशन बन रहा है। उसके अलावा अब मैं दोबारा चेंज करता हूँ तो यहाँ पर सिंपली जो RGB इफेक्ट्स हैं वो बंद हो चुके हैं, और ये देखें दोबारा RGB इफेक्ट्स हैं वो ऑन हो चुके हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। वैसे जो मैंने कुछ और अनबॉक्सिंग की थी वहाँ पर ये होता था कि आपको लैपटॉप के यहाँ अपने सिस्टम के साथ एक सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है।
वन बटन प्रेस करें और आप जो है वो इजीली चेंज कर सकते हैं इफेक्ट्स को, तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट जाता है टी डैगर की तरफ से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो यार वीडियो को लाइक लाजमी 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 कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।